ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे रेसलमेनिया 34 के विनर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स, मिक्स्ड मैच चैलेंज, क्या डैनियल ब्रायन होंगे रेफरी रेसलमेनिया 34 में, और आज की स्मैकडाउन लाइव के बारे में जहां हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने को मिली। इसके अलावा दो मैचेस कंफर्म भी हो चुके हैं रेसलमेनिया 34 के लिए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन लाइव के बारे में। तो यहां पर शो की शुरुआत करते हैं एजे स्टाइल्स। वो रिंग में आकर कहते हैं कि फास्ट लेन में मेरे अपोनेंट में काफी सारे सुपरस्टार थे, लेकिन फिर भी मैंने उन सभी को हरा दिया और अभी भी मैं हूं WWE चैंपियन। इसके बाद बात करते हैं रेसलमेनिया 34 के ड्रीम मैच के बारे में, जो कि होगा WWE चैंपियनशिप के लिए शिंसुके नाकामुरा वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच। इसके बाद आते हैं शिंसुके नाकामुरा। वो आकर कहते हैं मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन रेसलमेनिया 34 में मेरा सपना सच होगा जब मैं तुम्हें हराऊंगा और बन जाऊंगा न्यू WWE चैंपियन। इसके बाद एंट्री होती है रूसेव एंड एडन इंग्लिश की, और उसके बाद मैच देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स एंड रूसेव के बीच। मैच ठीक ठाक ही चला, लेकिन जो इसकी एंडिंग थी वो वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब एजे स्टाइल्स ने सबमिशन मूव लगाते हैं रूसेव पर, तो उसी वक्त बीच में आ जाते हैं एडन इंग्लिश, वो उस मूव को तोड़ देते हैं और इस तरह से वो दोनों ही सुपरस्टार अटैक करने लग जाते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा की भी एंट्री होती है, वो रूसेव को भी मारते हैं और एडन इंग्लिश को भी छुड़वाते हैं एजे स्टाइल्स को मारने से। नेक्स्ट में देखने को मिलता है टैग टीम मैच, जो कि होता है बिगी एंड जिमी उसो वर्सेस ब्लजियन ब्रदर्स के बीच। अब जिमी उसो और बिगी की टीम इसलिए क्योंकि एक तरह से दोनों सुपरस्टार अपनी टीम्स का बदला लेने आए थे ब्लजियन ब्रदर्स से, जो उन्होंने किया था फास्ट लेन पेपर व्यू के अंदर। अब मैच में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ब्लजियन ब्रदर्स थोड़े बहुत पिट रहे हैं, पिटने से मेरा मतलब पिटे तो नहीं हुआ, लेकिन पहले तो जरा भी नहीं पिटते थे, लेकिन इस बार थोड़े बहुत हाथ लगाए बिगी एंड जिमी उसो ने, लेकिन अंत हम सभी को पता था क्या होगा, जीत इस मैच में ब्लजियन ब्रदर्स की हुई। नेक्स्ट में देखने को मिलती है शार्लेट फ्लेयर, और वो मिलने की बात करती हैं आस्का से, जिसके बाद आस्का का थीम सॉन्ग प्ले होता है, उनकी भी एंट्री होती है और वो भी रिंग में आ जाते हैं। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहती हैं फैंस मुझसे पूछते थे अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी आस्का को फेस करने की, जिस पर शार्लेट कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम रेसलमेनिया 34 के लिए मुझे अपना ओपोनेंट पिक करो क्योंकि मुझे पसंद है चैलेंज। जिस पर आस्का भी माइक लेकर कहती है कि मुझे भी चैलेंज पसंद है, तुम भले ही क्वीन हो लेकिन मैं भी एम्प्रेस हूँ और नो वन इज रेडी फॉर आस्का। नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द लेजेंड किलर द वाइपर रैंडी ओटन। वो रिंग में आकर कहते हैं पिछले काफी सालों में यही चैंपियनशिप थी जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब ये चैंपियनशिप मेरे पास आ चुकी है। आगे वो बॉबी रूड की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अब इस चैंपियनशिप को मैं लेकर जाऊंगा रेसलमेनिया में और मुझे कोई भी नहीं रोकने वाला। अब एंट्री होती है फॉर्मर यूएस चैंपियन बॉबी रूड की, वो अपनी रीमैच की बात करते हैं। इसके ठीक बाद जिंदर महाल की भी एंट्री होती है और वह कहते हैं जिस तरह से मैंने रैंडी ओटन को हराया फास्ट लेन से पहले, अब मैं हराऊंगा बॉबी रूड को। और फिर मैच स्टार्ट होता है जिंदर महाल और बॉबी रूड के बीच। जैसा जिंदर महाल ने कहा था वैसा ही उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि इस मैच में जिंदर महाल की जीत होती है जब वो लगाते हैं खलास बॉबी रूड को और इस मैच को पिन करके अपने नाम करते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के ठीक बाद रैंडी ओटन पीछे से आते हैं और वो आरकेओ लगा देते हैं जिंदर महाल को। अब इस फ्यूड में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर WWE ने किसी भी एक सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा वीक नहीं दिखाया। बॉबी रूड की बात करें तो वो तो फॉर्मर US चैंपियन है, रैंडी ओटन की बात करें तो वो इस समय US चैंपियन बने हुए, और जिंदर महाल को भी जिस तरह से वो किया जा रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इन तीनों सुपरस्टार के बीच मैच देखना, लेकिन फिलहाल के लिए रेसलमेनिया 34 में जो मैच कन्फर्म हुआ है वो US चैंपियनशिप के लिए बॉबी रूड वर्सेज रैंडी ओटन के बीच। नेक्स्ट में यहाँ पर देखने को मिलता है वुमेंस डिवीजन से एक मैच, जो कि था कार्मेला वर्सेज नेओमी के बीच। जीत यहाँ पर होती है कार्मेला की। अब आता है शो के मेन इवेंट में एक सेगमेंट जहाँ पर होती है शेन मैकमैन की बड़े अनाउंसमेंट, और अनाउंस करते हैं रेसलमेनिया 34 के लिए बड़ा मैच, जो कि होगा केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच। इसके बाद केविन ओवंस की एंट्री होती है, वो माइक पर कुछ बोलते हैं शेन मैकमैन के बारे में, उसके बाद सैमी ज़ेन भी माइक पर बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर माइक पर किसने क्या बोला ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद होता है बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ जब मिलकर केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन शेन मैकमैन पर अटैक करते हैं। सबसे पहले तो सैमी ज़ेन अपना फिनिशर लगाते हैं, उसके बाद केविन ओवंस अपना फिनिशर लगाते हैं, उसके बाद रेफरीज भी आते हैं, वो उन्हें भी पटक देते हैं और फिर शेन मैकमैन के गले में फंस जाते हैं एक चेयर और रिंग पोस्ट पर उन्हें पटक देते हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन केविन ओवंस मिलकर शेन मैकमैन को घसीटते हुए ले आते हैं बैक स्टेज, और वहां पर केविन ओवंस लगाते हैं एक पावर बॉम्ब एक बार फिर से शेन मैकमैन को, जिसके बाद जिस तरह की आवाजें निकल रही थी शेन मैकमैन के मुंह से ऐसा लग रहा था काफी बुरी तरीके से इस मैच पर अटैक किया गया, मतलब मैं कह सकता हूं ब्रूटली यहां पर केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन ने अटैक किया है शेन मैकमैन के ऊपर। मिक्स्ड मैच चैलेंज की बात करें तो आज हमें देखने को मिला रूसेव एंड लाना वर्सेस बॉबी रूड एंड शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच। जीत यहां पर हमें देखने को मिली शार्लेट फ्लेयर एंड बॉबी रूड की। रेसलमेनिया 34 के बैटिंग आउट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से सुपरस्टार की जीत होगी, तो कुछ मैचेस के बैटिंग आउट सामने आए। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच की बात करें तो यहां बताया जा रहा है रोमन रेंस के चांसेस हैं, उसके बाद ब्रॉक लेसनर के, और तीसरे नंबर पर कोई और सुपरस्टार से मतलब कोई भी सुपरस्टार वो हो सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा चांसेस है फिन बैलर के, उसके बाद सेथ रॉलिंस के एंड देन मिस के। मिक्स टैग टीम मैच की बात करें तो यहां पर रोंडा राउजी एंड कर्ट एंगल के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अब बात करते हैं मेन इवेंट में कौन सा मैच होगा उस पर जो बैटिंग आउट्स है, तो यहां पर बताया जा रहा है चांस सबसे ज्यादा ये है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का
जो मैच होगा वो होगा रेसलमेनिया 34 का मेन इवेंट। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अंडरटेकर का कोई भी मैच, उसके भी चांसेस है कि वो होगा रेसलमेनिया 34 के मेन इवेंट में। तीसरा कोई वुमेंस का मैच, चौथा एज स्टाइल्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, पांचवी पर है कर्ट एंगल एंड रोंडा राउजी वर्सेस ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन। डैनियल ब्रायन के बारे में बात करें तो जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बार डैनियल ब्रायन का कोई भी प्लान नहीं है रेसलमेनिया 34 में रेसल करने का, तो हो सकता है WWE डैनियल ब्रायन को किसी मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दे, क्योंकि किसी ना किसी तरह से WWE चाहेगी डैनियल ब्रायन का यूज करना, तो हो सकता है किसी मैच के अंदर हमें डैनियल ब्रायन गेस्ट रेफरी बनते हुए दिखाई दें। तो गाइस ये थी WWE की कुछ बड़ी अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताने कि आज की स्मैकडाउन लाइव आपको कैसी लगी और 5 स्टार में से आप इसे कितने स्टार रेटिंग देना पसंद करेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।